हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन स्टडी। आज का हमारा चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज हम इसका करेंगे पार्ट वन। ये टोटल मैंने आपको चार पार्ट्स में कवर करवाया है, जिसमें से आज हम करने जा रहे हैं इसका सबसे पहला पार्ट, पार्ट वन। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि बेसिक सा एक फॉर्मूला है इस चैप्टर को करने के लिए। तो क्या है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यानी कि आपकी स्पीड कैसे मेयर की जाती है, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक घंटे में, अगर उसी को हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर। अगर हमें वही चीज़ मीटर पर सेकंड में करनी है तो हम देखेंगे कि एक सेकंड में हम कितने मीटर कवर कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं स्पीड का। इन्हीं को आगे पीछे करोगे तो ऐसे दो फॉर्मूलेज और निकलेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो दूसरे जो दो फॉर्मूलेज हैं वो अपने आप आपको आ जाएंगे। अब देखिए, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, उनके बीच कोई सर्टन डिस्टेंस है। एक बार आपको वो डिस्टेंस कवर करना है कार से, दूसरी बार करना है वो साइकिल से। कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और साइकिल की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताइए, आप किस केस में, केस वन में जहां आप कार से जा रहे हैं या केस टू में जहां आप साइकिल से जा रहे हैं, किस केस में आप ए से बी पॉइंट तक जल्दी पहुँचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप केस वन में जल्दी पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपने एक चीज़ देखी कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचेंगे। जल्दी पहुंचने का मतलब है कि आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कम टाइम ले रहे हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कॉमन है और हम जो है स्पीड पहले जो नॉर्मल थी उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम जो है, जो पहले नॉर्मल टाइम लग रहा था, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी से हमारा एक रिलेशन निकलता है, स्पीड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कॉमन, यानी कि डिस्टेंस सेम है दो पॉइंट्स के बीच। वैसे ही दो और इसमें फॉर्मूलेज निकलते हैं, वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कॉमन। ठीक है, जब दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस के बराबर, बराबर नहीं कहते हैं हम, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब टाइम जो है कॉमन होगा, यानी दो बॉडीज हैं वो सेम टाइम ले रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के लिए, तो स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। और थर्ड पॉइंट आ गया, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा अगर स्पीड कॉमन होगी। ये क्या चीज़ें हैं अभी आपको समझ नहीं आएगी, पर जब मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा तब समझ आ जाएगी। अभी बस इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और जब मैं कहूँगा कि इन फॉर्मूलेज को वापस आके देखिए तब आपने देखना है। अभी कुछ कन्वर्जन्स हैं, बेसिक सी कन्वर्जन्स हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, फिर भी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको बता देना ज़रूरी है। देखिए, एक मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर होता है, आपको घड़ी में बताया एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर हमने एक सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 60 को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे और 1 के नीचे लगा देंगे, तो 1 सेकंड क्या हो गया, 1/60 मिनट। सिमिलरली एक घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर है, तो एक मिनट जो होगा वो कितने घंटों के बराबर होगा, 1/60 और के बराबर। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट आ गया, और सेकंड के बीच का रिलेशन। आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब हम और सेकंड का रिलेशन निकालेंगे तो एक घंटे में 60 × 60 विच इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड होंगे। ये 60 × 60 कैसे आया, एक घंटे में 60 मिनट का 1/60 आया और एक मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं इसलिए हमने दूसरा 60 फिर से लगाया और दोनों 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया एक घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, अगर एक घंटे में 3600 सेकंड है तो एक सेकंड में कितने घंटे होंगे, एक सेकंड में होंगे 1/3600 सेकंड। ये आ गई टाइम की कन्वर्जन। अब आते हैं डिस्टेंस की कन्वर्जन में। ठीक है, एक किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, तो एक मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, एक मीटर होगा 1/1000 किलोमीटर के बराबर। ये आ गई बेसिक सी कन्वर्जन। अब आता है क्वेश्चन कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, आप किसी भी और चैनल पर जाएंगे तो वो आपको सीधा कहेंगे कि इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करो या 5/18 से मल्टीप्लाई करो या 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे से करके, पर ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप रटने में कम फोकस रखें, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रखें कि ये आया कैसे। ठीक है, अब मैं आपको एक बारी बारी करके दिखाऊंगा ये आया कैसे। ये रहा पहला क्वेश्चन,
कि किलोमीटर पर आवर को हमें 54 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, मैंने आपको कन्वर्जन्स में बताया था कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर है ना, तो किलोमीटर की जगह हम मीटर में लिखना है तो हम 1000 लिख देंगे। तो ये आ गया, किलोमीटर की जगह 1000 आ गया। और आवर को सेकेंड में जब कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने आपको कन्वर्जन में बताया कि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो आवर वाली जगह हमने 3600 लिख दिया। तो बस यही चीज रही, जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगी टर्म 5/18। तो 54 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स में करते हैं, हमें क्या करना है, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/1000 आएगा, और सेकंड को जब आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/3600 आएगा। मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करवाना सिखाई थी, ये जो 3600 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये चले जाएगा सबसे ऊपर। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा कि 15 × 3600/1000, जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18/5। अब आप एक ऐसी ट्रिक याद रखिए, आपको दो नंबर याद रखने हैं, एक है 15, एक है 5, दूसरा है 18। 5 छोटा नंबर है, 18 बड़ा नंबर है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, तो आपने ऊपर लिखा 1000, नीचे लिखा 3600, आपको दिख रहा है 1000 छोटा नंबर है, 36 बड़ा नंबर है, तो 1000 को रिप्लेस कर देना सीधा सीधा 5 से, और 3600 को रिप्लेस कर देना 18 से। हर बार काटने की और इसे ओवर सॉल्व छोटा छोटा करने की कोशिश मत करना, सीधा 5 और 18 दो नंबर याद रखिए, बट छोटे वाले नंबर की जगह 5 लिख देना है आपने, बड़े वाले नंबर की जगह 18, और आगे उसको नंबर जो क्वेश्चन में आपको डिजिट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन कर लेनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट द टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड। देखिए, एक बंदा अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था, उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की, तो अब उन्होंने पूछा कि जब उसने स्पीड इंक्रीज की तो उसका टाइम कितना परसेंट से रिड्यूस हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पीड आप इंक्रीज करोगे टाइम रिड्यूस होगा, ये मैंने आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फॉर कॉमन डिस्टेंस स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, वही चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई है। देखिए, आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में कहा था कि ये परसेंटेजेस जो है आपने याद करनी है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, और जो 1/4 में डिनोमिनेटर है जो 4 है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कहा हुआ है कि 25% से स्पीड इंक्रीज हो रही है, 25% नहीं हो रही है, 25% से इंक्रीज हो रही है। ये जो इंक्रीज वर्ड है इसका बहुत अहमियत है इस क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी कि ओरिजिनल स्पीड ले लेंगे हम 4, 1/4 जो फ्रैक्शन थी उसमें से हमने डिनोमिनेटर ले लिया 4। अब 4 में इंक्रीज हो रही है, यानी जो 1 है, जो न्यूमिनेटर है 1/4 में, वो हम 4 में ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज बोला होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, और अगर सिर्फ बोला होता कि 25% है तो 1 ही वो जो होती न्यू स्पीड आ जाती। अभी कहा गया है कि 1/4 जो हमारे पास 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, वो इंक्रीज हो रही है, तो 4 हमने ली ओरिजिनल स्पीड, 4 में जब 1 ऐड किया आ गई हमारे पास न्यू स्पीड। अब उन्होंने कहा कि कितना परसेंट है, हमें पता है कि स्पीड जो है, टाइम जो है, जब डिस्टेंस कॉमन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनकी जो स्पीड की रेशियो है वो टाइम की रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यानी टाइम की रेशियो आ जाएगी 5/4, ठीक है। अब उन्होंने पूछी है कि परसेंटेज क्या होगी। देखिए, बाय व्हाट परसेंट द टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड, क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम टेकन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। उन्होंने अगर पूछा होता कि न्यू टाइम कितना होता है, तो हम सीधा सीधा लिख देते कि भाई 5 था ओल्ड टाइम, 5 यूनिट्स जो थे वो पहले लग रहे थे, 4 यूनिट्स जो हैं वो नए लग रहे हैं, ठीक है। पर उन्होंने पूछा कि कितने से रिड्यूस हुआ है, यानी कि 5 यूनिट में कितनी रिडक्शन हुई है, तो 4 यूनिट आया है, तो 5 यूनिट में 1 यूनिट की रिडक्शन हुई है तो 4 यूनिट आया है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में न्यूमिनेटर में लिखेंगे 1, पुराना टाइम टेकन कितना था 5 यूनिट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। जिनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उसका साफ मतलब है आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं लगाया। तो परसेंटेज चैप्टर अगर आप लगाओगे तो ये जो परसेंटेज वाली लाइन है मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्टिल अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं लगाया तो आप उसे लगा लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
While traveling from office to home, Ram's car broke down, so he took 25% more than usual time to reach home. His speed in this case is decreased by what percent? देखिए ये तो obvious सी बात है कि जब उसने time ज़्यादा लिया, कहा हुआ है ना 25% more than usual time ज़्यादा लिया तो यानी कि उसकी speed कम हुई है, ठीक है? वही question में पूछा हुआ है कि कितनी decrease हुई है, percentage में answer देना है कितनी decrease हुई है, ठीक है? अब उन्होंने क्या कहा, distance तो same ही रहा, जो होम और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस था वो तो नहीं ना बदला, बस उसकी कार खराब हुई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले हमने पता है 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, और इधर लिखा हुआ है कार ब्रोक डाउन सो ही टुक 25% मोर। ये मोर वर्ड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इंक्रीज वर्ड था, इस क्वेश्चन में मोर वर्ड है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस वर्ड्स अलग अलग हैं। तो 25% होता है 1/4, हम ले लेंगे कि उस जो घर जाने का टाइम है, उसका ऑफिस से घर जाने का टाइम, उसको यूजली लगते थे 4 यूनिट्स। अब 25% इंक्रीज हुआ है क्योंकि 25% मोर लिखा हुआ है, तो 1/4 का जो 1 है वो 4 में ऐड हो जाएगा, तो अब उसको न्यू टाइम लग रहा है 5 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स आया, ओरिजिनल जो हमारी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थी उसका डिनोमिनेटर ये 4 यूनिट आया, उसी के डिनोमिनेटर में उसका न्यूमिनेटर ऐड हुआ 1 यूनिट, तो हमारे पास आ गया न्यू टाइम, यानी कि ऑफिस जाने से लेके ऑफिस से घर तक जाने के लिए उसको पहले 4 यूनिट का टाइम लगता था, पर उसकी गाड़ी खराब होने के कारण इस बार उसको 5 यूनिट का टाइम लग गया है। तो स्पीड क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड की रेशियो आ गई 5:4, ठीक है? उन्होंने परसेंटेज ही पूछी है। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था रिडक्शन की बात चल रही थी, तो हमने देखा कि 5 से 4 में 1 यूनिट की रिडक्शन हो रही है। इस क्वेश्चन में रिडक्शन की नहीं पूछे, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि पहले जो स्पीड थी उसके मुकाबले अब की स्पीड जो है वो कितनी हो गई उसकी, है ना, कितनी होगी। अब इसमें तो कहीं भी क्वेश्चन में हिज स्पीड इन दिस केस इज व्हाट परसेंट ऑफ यूजुअल वन, इसमें तो कहीं इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं ना चल रही, इसमें तो सीधे सीधा पूछा है कि पहले की स्पीड के मुकाबले उसकी स्पीड अब क्या होगी। तो पहले की स्पीड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल में 5 यूनिट्स, और अभी वाली स्पीड आ गई है न्यू में 4 यूनिट्स, तो 4/5 × 100 विच इज इक्वल्स टू 80%। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The ratio of speed of A and B is 3:7. If B takes 20 minutes less than A to cover a certain distance, then what is the time taken by A to cover the distance? ठीक है, इन्होंने कहा है कि A और B की रेशियो दी है इन्होंने स्पीड की 3:7, पर जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है क्वेश्चन में आगे वो हमें दिख रही है कि B takes 20 minutes less. 20 मिनट यानी टाइम की बात चल रही है, रेशियो दी है स्पीड की, बात कर रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू में ये टाइम की, तो आपको पता है कि स्पीड के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वही टाइम होता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको हिंट तो दे दी हुई है, तो अब मैं ये क्वेश्चन एक बार आपको हवा में ही कराने की कोशिश करूंगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे भी समझाऊंगा। देखिए स्पीड की रेशियो दी है उन्होंने 3:7, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, टाइम की रेशियो ए और बी की आ जाएगी 7:3, है ना, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि बी को 20 मिनट लेस लग रहे हैं, तो हमने 7:3 की रेशियो में देखा कि बी को 3 यूनिट लग रहे हैं, ए को 7 यूनिट लग रहे हैं, तो ए बी को ए से कितने यूनिट्स कम लग रहे हैं, 7-3 = 4 यूनिट, बी को रेशियो में 4 यूनिट कम लग रहे हैं और बी को एग्जैक्ट वैल्यू में 20 मिनट्स कम लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे, जब हम 4 को 20 से कंपेयर करेंगे 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। टाइम टेकन बाय ए 7 यूनिट, टाइम टेकन बाय बी 3 यूनिट, ये कैसे आया, हमने स्पीड की रेशियो को इन्वर्ट कर दिया, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, इन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने रेशियो में कहा है कि रेशियो में आपको दिख रहा है कि 4 यूनिट्स की वैल्यू है वो 20 मिनट्स के बराबर है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट्स के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट के बराबर हो जाएगी। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 4 यूनिट 20 मिनट से कैसे कंपेयर हुए हैं, 4 यूनिट जो थे 7 और 3 का गैप था, और 20 मिनट जो है ए और बी का असली टाइम है, कि बी जो है ए से 20 मिनट्स कम ले रहा है। रेशियो में देखिए बी जो है ए से 4 यूनिट्स कम ले रहा है, तो 4 को हमने कंपेयर किया 20 से, 1 की वैल्यू आ गई 5, और हमें इन्होंने पूछा है कि भाई बताओ कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ए टू कवर द डिस्टेंस, ए ने कितना टाइम लिया। देखो रेशियो में दिख रहा है ए ने कितना टाइम लिया, ए ने 7 यूनिट्स लिए थे, तो वही 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 × 5, तो टाइम टेकन बाय ए आ गया 35 मिनट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A travels at a speed of 50 km/h, he reaches his destination at 5 p.m. and if he travels at a speed of 60 km/h, he reaches his destination at 4 p.m. Find the distance is equal to, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि A जो है अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 5 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा।
अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 4 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही इज़ ट्रेवलिंग टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अब देखिए, स्पीड थी ओरिजिनल 50 किलोमीटर पर आवर, उसने जब इंक्रीज की तो होगी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास स्पीड की रेशियो आ गई 5:6 की फॉर्म में। टाइम की रेशियो क्या होगी, उसका इन्वर्ट होगा, यानी कि टाइम की रेशियो आ गई 6:5 में। अब इन्होंने कहा है कि टाइम, देखिए टाइम की रेशियो में आपको दिख रहा है 6:5, ओरिजिनल टाइम उसको लग रहा था 6 यूनिट्स का, न्यू टाइम लग रहा है उसको 5 यूनिट्स का। और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको ऐसे उसने 5 बजे पहुंचना था, जब उसने स्पीड इंक्रीज की तो वो 4 बजे पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उनका गैप है 1 आवर का, और रेशियो के हिसाब से इनके टाइम का गैप आ रहा है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 आवर, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1 आवर। अब इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अब देखिए, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 आवर। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, या तो ओरिजिनल को पकड़ लो या तो न्यू को पकड़ लो। हम क्या करते हैं, इसमें से ओरिजिनल को पकड़ लेते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 1 आवर, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आवर। यानी कि उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल के केस में, और उसको 6 घंटे लग रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास टाइम आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस में हम वैल्यू डालेंगे स्पीड की 50, यहाँ पे 50 आना है, और टाइम की आना है 6, ओरिजिनल टाइम आ रहा है 6 आवर। जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 300 किलोमीटर्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रनिंग विद 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अच्छा, ए मैन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस इन 28 मिनट, कैलकुलेट द टाइम टेकर टू कवर द सेम डिस्टेंस एट हिज यूजुअल स्पीड। अब देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन से खेलना, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में ही बताया था फ्रैक्शन से कैसे खेलना है। ठीक है, 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, एक बंदा जो है एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है 28 मिनट में। ठीक है, यानी कि उसने 4/7 से आपको दिख रहा है कि ऊपर न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली कम की होगी, उसने कम की होगी। क्योंकि आप 4/7 को सॉल्व भी करने की कोशिश करो, 0 point something में इसका आंसर आएगा, और 0 point something का आंसर का मतलब हुआ कि उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना। देखिए, उन्होंने कहा कि 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन दियो हम डिनोमिनेटर से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर यूजुअल स्पीड की बात चल रही है और 4/7 हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसमें से डिनोमिनेटर ही यूजुअल स्पीड होगी। ठीक है, तो हमने ओरिजिनल स्पीड दे दी 7, और न्यू स्पीड क्या आ गई 4, क्योंकि उन्होंने कहा 4/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। अब देखिए, यहाँ पे 4/7 ऑफ यूजुअल स्पीड का है, यहीं पे मोर और लेस का कंसेप्ट होता तो हम 7 में 4 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पर उन्होंने मोर और लेस नहीं कहा है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 4/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। तो 7 हमने ली ओरिजिनल, न्यू आ गई हमारे पास 4, ये चल रही थी स्पीड की बात। टाइम हो जाएगा इसी का इनवर्स, टाइम आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट्स ओरिजिनल, 7 यूनिट्स न्यू। अब इन्होंने जो हमारे आगे स्टेटमेंट दी हुई है, मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 28 मिनट, 28 मिनट भी टाइम की वैल्यू है। अब देखिए, क्वेश्चन को हिंदी में समझिए और इसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। 4/7 यानी कि अपनी स्पीड रिड्यूस करने के बाद बंदे को एक डिस्टेंस को कवर करने में 28 मिनट लग रहे हैं, यानी कि बंदे ने अपनी जो स्पीड थी रिड्यूस की, उसका टाइम इंक्रीज हो गया। वैसे ही रेशियो में देखिए, पहले उसका टाइम कम लग रहा था, यानी पहले उसका टाइम 4 यूनिट्स लग रहा था, उसका टाइम इंक्रीज हो गया, वो बन गया 7 यूनिट, और इसी 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 28 मिनट। तो 7 की वैल्यू आ गई 28, 1 की वैल्यू आ गई 4। आपको ये पॉइंट समझ आया, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, उन्होंने कहा है एक बंदा भाग रहा था, उसने अपनी स्पीड रिड्यूस की, तो स्पीड रिड्यूस करने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसका टाइम इंक्रीज होगा। जो टाइम इंक्रीज होगा वो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, वो हमने अपनी कॉमन सेंस से लगाया कि टाइम इंक्रीज होगा। यहाँ पे फिर जब हम रेशियो पे आए, हमें दिख रहा था कि पहले उसका टाइम कम था, उसका टाइम इंक्रीज हुआ, और उसी इंक्रीज्ड टाइम की वैल्यू दी थी उन्होंने 28 मिनट। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू आई 28 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 मिनट। इन्होंने कहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड। ठीक है, यूजुअल स्पीड पे जो वो आप डिस्टेंस को कवर करेगा, वो टाइम भी तो यूजुअल टाइम ही आएगा, यानी कि हमें 4 यूनिट को कैलकुलेट करना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 4 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट की वैल्यू होगी 16 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के पार्ट 1 का। टू मेन स्टार्ट
टुगेदर टू वॉक अ सर्टन डिस्टेंस, वन एट 4 किलोमीटर एंड अनदर एट 3 किलोमीटर। देखिए दो बंदे हैं, पहला बंदा जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है और दूसरा बंदा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। डिस्टेंस सेम ही है, बस बंदों की स्पीड अलग अलग है। अब इधर दिया हुआ द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। अब फॉर्मर और लेटर का मतलब पता क्या होता है, फॉर्मर होता है पहले वाला बंदा, लेटर होता है बाद वाला बंदा। देखिए हम लेटर कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि सी यू लेटर, तो मैं बाद में मिलूंगा मैं, ठीक है। तो लेटर से आपने लेटर का याद रखना है, लेटर का मतलब हो गया बाद वाला बंदा जिसका बाद में जिक्र किया गया है, और फॉर्मर का मतलब हो गया पहले वाला बंदा जिसका पहले जिक्र किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जो बंदा 4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड में चल रहा है वो पहले पहुंचेगा, कितना पहले पहुंचेगा दूसरे बंदे से, आधा घंटा पहले पहुंचेगा। तो इन्होंने कहा है डिस्टेंस बताओ। अब वही चीज़ हमने लिखी, मैन वन जो है 4 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है, मैन टू 3 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। टाइम की रेशो इनकी इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि पहला बंदे को 3 यूनिट्स लग रहे हैं डिस्टेंस कवर करने में, दूसरे बंदे को 4 यूनिट्स लग रहे हैं डिस्टेंस कवर करने में। इनके रेशियो में टाइम का गैप क्या आ रहा है, 1, जबकि इनके एग्जैक्ट वैल्यू में टाइम का गैप क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हाफ एन आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हाफ एन आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है हाफ एन आवर होगी। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस दोनों में से किसी एक को भी लेके कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन ले ली, यानी यूजुअल मैन वन वाली इक्वेशन ले ली। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3/2 बन जाएगा। अच्छा, अब स्पीड है उस बंदे की 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम उसका निकाल लिया हमने 3/2 आवर्स का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 4 × 3/2 करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 6 किलोमीटर्स। यही चीज़ हम मैन टू के केस में भी कर सकते थे। अगर हम मैन टू में जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लेते 1/2 को, तो हमारे पास 2 आ जाता सीधा सीधा। ये है ना मैन टू का टाइम ले रहा है वो 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू थी 1/2, जब 4 यूनिट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा कि जो दूसरा बंदा है वो 2 घंटे ले रहा है भाई डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, और उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर की है। 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई और 2 घंटे लग रहे हैं वो पहुंचने में, तो स्पीड इंटू टाइम 3 × 2 = 6। कोई भी इक्वेशन लो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट वन है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का वो ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, उसको डिकोड कैसे करना है, और उसको सॉल्व करना कैसे शुरू करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।